ओके गाइस, सो ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा MCU 4 से रिलेटेड है, और क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। ठीक है ना, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और कितने तरह के इसमें अकाउंट्स वगैरह होते हैं, एंड हम किस तरीके से अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, 10+10 में भी आ जाएगा, या हो सकता है कि 20 मार्क्स में ये पूरा का पूरा आ जाए। तो इसके अंदर दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड टू इंप्रूव इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं या लिए जाने चाहिए, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, एंड इफ हमारे पास अगर टाइम बचता है तो हम लोग दूसरा वाला भी इसी वाले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहले मैं मतलब आपको समझा देता हूँ, एक मिनट, जैसे मुझे जरा सा ब्रेक चाहिए। ओके सर। ओके गाइस, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट समझने के पहले हम लोगों को बैलेंस ऑफ ट्रेड समझना पड़ेगा, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। सो जब भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो हम लोग कई बार क्या होता है ना, कि हम लोग सामान बेचते हैं, हम अपने कंट्री के सामान को किसी और को भेजते हैं, किसी और कंट्री में भेजते हैं, और कोई और कंट्री किसी और तरह के सामान को हमारी कंट्री में भेजती है, ठीक है। सो जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना, एसेट और लाइबिलिटी वाला, उसी तरीके से बैलेंस ऑफ ट्रेड बनता है जब गुड्स में डील किया जाता है। जैसे कोई सामान अगर मैं भेज रहा हूँ किसी कंट्री में, तो उसका मैं हिसाब रखना होगा कि मैंने कितना एक्सपोर्ट किया और फिर मैंने कितना इम्पोर्ट किया। इम्पोर्ट मतलब जो चीजें मैंने बाहर से मंगवाई, किसी और कंट्री से मंगवाई, तो कितना मैंने किया। अब जो बैलेंस मेरा बच जाएगा, अगर मान लो मैंने इम्पोर्ट ज्यादा किया और एक्सपोर्ट कम है, तो मुझे उस कंट्री को पैसे पे करने पड़ेंगे, या मेरा अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और मेरा इम्पोर्ट कम होगा, तो उस कंट्री को, ठीक है, कोई भी हो सकती है, अमेरिका, चाइना, कोई भी हो सकता है, उससे पैसे मिलेंगे मुझको, ठीक है। तो ये जो बैलेंस शीट में हम लोग को देखने को मिलता है, ये जो हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कितने पैसे आए और कितने पैसे गए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और उसमें सरप्लस या डेफिसिट निकालने की कोशिश करते हैं, वही हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका सरप्लस में है या डेफिसिट में है, ये निर्धारित करेगा कि आपकी इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी या कैसी आपकी इकोनॉमी है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सेम चीज है, सेम टू सेम चीज है, डिट्टो। सिर्फ एक चीज ऐड है इसमें, कि वहां पे सिर्फ गुड्स में डील हो रहा था, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कंट्री को सामान नहीं भेजते, लेकिन सर्विसेज भेजते हैं, है ना। कोई सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं किसी कंट्री को, और उसके बदले हम लोगों को पैसे मिलते हैं। तो जो पैसे हमको मिलेंगे वो हमारा एसेट साइड में जाएगा, और जो हम लोगों ने सामान मंगवाया है उसके बदले उसको पैसे देने हैं, तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। सो वहां पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस निकल करके आता है, अगर पॉजिटिव में होगा, मतलब आपको अगर पैसे मिलेंगे तो वो सरप्लस कहलाएगा, और अगर आपको पैसे देने पड़ेंगे तो फिर वो डेफिसिट कहलाएगा, सरप्लस या फिर बिल्कुल डेफिसिट, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ जो पेमेंट अकाउंट है वो यही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि आप हिसाब रख रहे हो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा आपके इंपोर्ट से, तो आपको सरप्लस होगा, और अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा होगा आपके एक्सपोर्ट से, तो आपको डेफिसिट ज्यादा होगा। डेफिसिट वाला केस किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। इंडिया और अमेरिका के ट्रेड की अगर हम बात करें, तो हर एक कंट्री के से हमारा ट्रेड है, और सबका अलग अलग बैलेंस शीट बनता है। तो इंडिया और अमेरिका वाला जो है, उसमें हमारा बहुत सरप्लस रहता है, बहुत पैसे हम लोग कमाते हैं अमेरिका से। लेकिन ठीक इसके उलट, चाइना के साथ जब हमारा ट्रेड होता है, तो चाइना वाले मामले में हम थोड़े से पीछे हैं। चाइना काफी ज्यादा सामान हम लोगों को भेजता है, पर हम लोग बहुत ज्यादा सामान चाइना को बेच नहीं पाते हैं, तो हमारा यहाँ पे डेफिसिट हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड बता दिया, अब देखते हैं कि यहाँ पे कॉपी में क्या है, नोट्स में क्या है, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है सारे के सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस का। इकोनॉमिक मतलब जहां पे पैसे इन्वॉल्व होंगे, सारे पैसे से रिलेटेड जो सब भी ट्रांजेक्शंस ट्रांजेक्शन होते का, हैं। यस, बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री, जो लोग किसी कंट्री में रह रहे हैं उनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है दूसरी कंट्री वाले लोगों के साथ, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, हालांकि जनरली 1 साल का होता है, पर कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए होगा। कोई चाहे तो ये आदमी 1 महीने का भी निकाल सकता है,
कि कितना मेरा नहीं सरप्लस तो प्रॉफिट है, क्वार्टरली। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये होगा, टिपिकली अ ईयर और क्वार्टर, जनरली टिपिकली एज इन जो जनरल है, जो जनरली होता है, या तो एक साल का होता है या तो एक क्वार्टर का होता है। कंपनी क्वार्टर हमारे या पे इनलिस्टेड कंपनीज है शेयर मार्केट में, उनका भी जो रिजल्ट निकलता है वो ईयरली निकलता है या तो क्वार्टरली निकलता है। तो ये बहुत आइडियल है दोनों निकालना, बट अगर कोई कंट्री चाहे कि वो मंथली भी चेक करना चाहती है कि कैसा उनका ग्रोथ है, तो वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास सारा रिकॉर्ड है। अभी सब कुछ डिजिटल हो गया है, सब कुछ का रिकॉर्ड उन लोगों के पास है। ठीक है ना? दे सोल्ड ऑल द ट्रांजेक्शन एंड प्रॉफिट ऑन ग्रो ऐप एंड अप स्टॉक। यस यस यस, जो भी। सो आप वहां पे पता कर सकते हो कि आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपको अगर किसी और कंट्री से पैसे मिलने वाले हैं तो आपका सरप्लस है। देखो जनरली ना, पैसा कोई किसी को देता नहीं है, सामान ही देता लेता देता है। जैसे मेरा अगर इस साल सरप्लस है, अगले साल ट्रेड होगा, हो सकता है कि मेरा डेफिसिट हो जाए, तो जो पैसा मैं पाने वाला था वो उधर एडजस्ट हो गया, समझ रहे हो? तो उस तरीके से है। और जब इस तरह की चीजों में हम लोग फंसते हैं, जब हमारे पास पैसे कम हो, जैसे कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल अभी ले लें, पाकिस्तान का हालत बहुत खराब है इसी सब चीजों के कारण, क्योंकि उन लोगों का इम्पोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो जिस कारण से उन लोगों का इकोनॉमी काफी खराब है। और जब इस तरह के सिचुएशन में कोई भी कंट्री फंसती है, अभी ग्रीस का आपने नाम सुना होगा, वहां पे भी बेल आउट किया गया। बेल आउट का मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली हेल्प करना। तो आप अगर इस तरह के सिचुएशन में हो, तो आप IMF के पास जाकर के उनसे पैसे उधार में ले सकते हो। इंटरनेशनल हाँ मॉनेटरी हाँ आपको पैसे देती फंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट को ठीक करने के लिए। वर्ल्ड बैंक से नहीं ले सकते, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का काम है डेवलपमेंट का, और ये चीज जो आप पैसे ले रहे हो, ये आप डेवलपमेंट के लिए नहीं ले रहे हो, ये अच्छा। आप अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए ले रहे हो। तो इस चीज का जो पैसा आपको लोगे, आपको IMF से ही लेना पड़ेगा, और आपको उसके बदले IMF को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं वर्ल्ड कि मिल रहा है। बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक जो पैसा देती है तो वो सिर्फ आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए देती है या किसी तरह को किसी चीज को मतलब नहीं, डेवलप देखो करने के लिए कैसे। उन लोग का पैसा कंप्लीटली किसी ना किसी पर्पस के लिए होगा, और आर्थिक सुधार के लिए तो नहीं। उन लोग का पैसा जनरली डेवलपमेंट के लिए होता है। आपको रोड बनाना है, पैसा वहां डेवलपमेंट से ले लीजिए। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में स्टार्ट करना है और आपको पैसा का जरूरत है, आप वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लीजिए। वर्ल्ड बैंक एक्चुअली एक ग्रुप का हिस्सा है जिसको कहते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो किसी भी कंट्री में अगर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो उस केस में वर्ल्ड बैंक से आपको पैसा लेना पड़ेगा। पर अगर आपको इस तरह का सिचुएशन में आप फंस गए हैं कि आपको किसी कंट्री को पैसा देना है, तो उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, वैसे ही कंट्री लोन लेती है IMF अच्छा से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और उसके बदले उन लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। ओके। ओके देन, तो सबसे पहला है करंट अकाउंट। दो तरह के इसमें जनरली अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में भी यही होता है, आप बैंक में जाओगे तो बैंक में भी देखना करंट अकाउंट, आपको आप सुने होंगे कि बैंक में भी करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट जनरली इसका मतलब हो गया Yes, कि करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक साल के लिए होगा, उसमें ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मतलब एक साल के लिए रिकॉर्ड किए, फिर रिकॉर्ड सारा डिपॉजिट हो गया, उसके बाद फिर नया से अगले साल से फिर से फ्रेश एंट्री हुआ करंट अकाउंट में। सो करंट अकाउंट जनरली एक साल के लिए होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। बट कैपिटल अकाउंट नाम से पता चल रहा है कि कैपिटल है, मतलब उसमें एसेट है, तो एसेट तो एक साल के लिए हो ही नहीं सकता, लंबे समय तक के लिए होगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों कैप्टन की कि करंट अकाउंट एक साल, और वो सारा जो है पूरे मतलब जब तक उसका वैल्यू है। सो करंट अकाउंट यहाँ पढ़ ही लेते हैं, सबसे बेहतर होगा। द करंट अकाउंट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, सो करंट अकाउंट में ट्रांसफर पैसा इसमें आ एंड जाएगा अल्टी तरह का। ठीक है, मैं किसी को कोई सामान बेच रहा हूँ किसी यूनिलैटरल कंट्री से, जो पैसा आपको मिलना है, या मैं ट्रांसफर। मुझे किसी कंट्री को कुछ कुछ पैसे देने हैं, वो सारा का सारा जो है आपको करंट अकाउंट में ही लिखना है। ठीक है, लेकिन FDI आपने सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI, इसका जो पैसा होता है वो कैपिटल में जाता है, क्योंकि उसका यूज लॉन्ग टर्म का होता है। ठीक है, सो ये चीज है, हम थोड़ा पहले बता दिए बट कोई नहीं। सो वो सारा चीज, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने किसी कंट्री में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, सपोज किसी कंट्री में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है और मैंने उस कंट्री को लोन दिया हुआ है,
तो वहां से भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको, वहां से जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है उसके ऊपर आपको जो फायदा है वो आपको मिलेगा। तो जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होता है वो उसका पैसा है ना। और यूनिलैटरल ट्रांसफर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जो पैसे ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना, यूनिलैटरल ट्रांसफर, वो भी आपका करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब करंट अकाउंट के अलग अलग पार्ट हैं। सबसे पहला है ट्रेड बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है, ट्रेड जैसे मैंने बताया था, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात होगी। तो ट्रेड बैलेंस की बात हो रही है कि अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो तो क्या बैलेंस आपके पास है, मतलब पॉजिटिव है, सरप्लस है या डेफिसिट है। सो दिस रिकॉर्ड द बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स, ठीक है ना, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना सामान किसी कंट्री को बेच रहे हैं तो आपको जो पेमेंट हो रहा है वो डॉलर में हो रहा है, तो उस डॉलर को हम लोग यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे, ठीक है ना। सो अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, आप यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हो। एंड इम्पोर्ट, जो सामान आप मंगवाओगे उसके बदले आपको किसी और कंट्री को पैसे देने पड़ेंगे, तो वही फॉरेन एक्सचेंज आपका खर्च भी होगा, ठीक है ना। सो ट्रेड बैलेंस में वो हो गया। अच्छा, लास्ट में बोला है ऑफ गुड्स, वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं ये सिर्फ उनका हो गया। दूसरा है सर्विस बैलेंस, सर्विसेज बैलेंस। तो यहाँ पे गुड्स सर्विसेज की बात हो रही है ना। दिस अकाउंट्स फॉर ट्रेड सेल सर्विसेज सच एज टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है ना। तो इसका जो बैलेंस होगा इसको भी रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, करंट अकाउंट में। तीसरा है इनकम बैलेंस, इट इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स। जैसे इंडिया का कोई बंदा चाइना में रह रहा है तो वहां पे जो वो पैसे कमाएगा वो पैसे चाइना में तो वो रखेगा नहीं, वो तो वापस इंडिया लेकर के आ जाएगा। तो जो पैसे इंडिया में आए वो भी इंडिया का क्या हुआ, इनकम हुआ, समझ रहे हो। सो इट इंक्लूड्स इनकम जी अर्न्ड बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइक डिविडेंड्स एंड इनकम पेड टू फॉरेनर्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। जैसे चाइना में कोई आदमी रह रहा है तो उसको वहां से इन्वेस्टमेंट पे फायदा मिल रहा है, उसी तरीके से कोई चाइनीज अगर इंडिया में रह रहा है उसको जो फायदा मिलेगा वो चाइना लेकर के जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो कहलाएगा इनकम बैलेंस। बैलेंस का मतलब है कि जो बचा हुआ है, अगर आपके पास सरप्लस है तो आपके पास रहा, डेफिसिट है तो उसके पास चला गया, ठीक है। यस चौथा पॉइंट है यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में कोई भी ट्रांसफर, मतलब जनरली गिफ्ट्स वगैरह ही होता है जहां पे आप कुछ उम्मीद में पैसा नहीं देते हो। मतलब जैसे हम लोग हेल्प देते हैं ना, श्रीलंका को या किसी कंट्री को मैंने अगर हेल्प किया, वो पैसे मैं उससे वापस नहीं मांग रहा हूँ कि भाई मुझे वो पैसे वापस चाहिए, ये मैंने हेल्प किया है। दो तरीके से हम लोग पैसे देते हैं, या तो हम लोग लोन पे देंगे या तो ऐसे ही दे देंगे। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर इज लाइक ऐसे ही देना, ठीक है, ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, आपको लेने भी नहीं है, ठीक है। सो दिस अकाउंट फॉर गिफ्ट्स, ग्रांट्स, देखो ग्रांट्स बोला है, ग्रांट्स एंड फॉरेन एड रिसीव्ड। फॉरेन एड अगर आपको किसी तरह का मिल रहा है, कोई हेल्प अगर आपको मिल रहा है, तो वो भी आपका करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो एड आपको वापस नहीं करना है किसी कंट्री को, क्योंकि यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ और गिवन विदाउट एनी डायरेक्ट इकोनॉमिक एक्सचेंज, ठीक है। बिना किसी इकोनॉमिक एक्सचेंज के अगर आप यूनिलैटरल ट्रांसफर कर रहे हो तो वो भी आपका करंट अकाउंट में रिकॉर्ड उसको किया जाएगा। इसके बाद आ गया इंपॉर्टेंट, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट जो होता है ये बहुत भारी भरकम अकाउंट होता है, इसमें मतलब अरबों अरबों रुपए के इसमें ट्रांजेक्शन होते हैं, वो भी डॉलर्स में, अरब डॉलर, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे है। तो कैपिटल अकाउंट सबसे बड़ा अकाउंट होता है, सारे पैसे जनरली इसी में होते हैं। करंट अकाउंट जैसे मैंने बताया एक साल के लिए ही होगा, मतलब वो कंटिन्यूअस रहता है दूसरे साल तीसरे साल भी, लेकिन वो एक साल का ही रिकॉर्डिंग जनरली उसमें होता है। मतलब छोटे ट्रांजेक्शन को करंट अकाउंट में करेंगे और बड़े ट्रांजेक्शन को हम लोग कैपिटल अकाउंट में करेंगे। नाउ द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट में एसेट एंड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है इंक्लूडिंग कैपिटल ट्रांसफर। जैसे एफडीआई क्या है, ये कैपिटल ट्रांसफर है, पैसे भारी भरकम पैसे इंडिया में आएंगे, किसी बिजनेस में लगेंगे, है ना, एफडीआई है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी बाहर मोटा से रकम इन्वेस्टमेंट ना करके जो कंपनी कोई कंट्री इंडिया में काम कर रही है, फॉरेन मतलब पोर्टफोलियो उसका एक तरीके से खरीद लेना या उसमें इन्वेस्ट करना। एक होता है आपको पता होगा आई थिंक एफआईआई बोल करके, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, काइंड ऑफ वही चीज है, यस यस ठीक है। सो एफडीआई कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय फॉरेनर्स इन द कंट्रीज बिजनेस। एफपीआई, इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्रीज फाइनेंशियल एसेट्स, है ना। यहाँ पे देखो बोला है फाइनेंशियल एसेट्स में आप पैसे लगा रहे हो, जैसे कि स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स में, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तीसरा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी, बोरोइंग बाय डोमेस्टिक एंटिटीज फ्रॉम
फॉरेन सोर्सेस, मतलब मैं लोन ले रहा हूं किसी बाहर के देश के बैंक से, समझ रहे हो? मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, मुझे पैसे चाहिए, मैं इंडिया से, इंडिया में के बैंक से लोन नहीं ले रहा, मैं किसी बाहर की कंट्री के बैंक से लोन ले रहा हूँ। तो जो लोन मैंने बोरो किया फॉरेन सोर्सेस से, वो आपका ईसीबी कहलाएगा और वो भी आपके कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा। ऑफिशियल फ्लोज, ठीक है, ऑफिशियल फ्लोज इंक्लूड्स लोन्स एंड ग्रांट्स गिवन टू, या फिर तो दिया गया है या आपने रिसीव किया है, रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जैसे ये आईएमएफ की बात मैं अभी कर रहा था ना, आईएमएफ से अगर आपको कुछ पैसा मिला है, कोई ग्रांट मिला है, तो उस केस में जो उसका रिकॉर्ड होगा वो भी आपको इंटरनेशनल वो भी आपको कैपिटल अकाउंट में ही दिखाना आपको पड़ेगा। ठीक है, अदर कैपिटल फ्लोज, मेसिलेनियस कैपिटल ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि इन नेचर बाई नेचर पर्सनल है, उनको आपको पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो यस, हम लोग काफी सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारी गवर्नमेंट प्रमोशन करती है, प्रमोट करती है। कैसे प्रमोट करती है? आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। आपको अगर सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो आपका सामान जो है किसी और देश में सस्ता बिकेगा, है ना? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाता है, आपको लोन दिया जाता है, आपको लोन चाहिए आप लोन ले लो, समझ रहे हो? इस तरह से आपको हेल्प किया जाता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स एंड इंसेंटिव्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट, आपको इंसेंटिव भी मिलता है। आपने अगर 1 करोड़ रुपए कमाए हैं किसी और कंट्री से, तो हो सकता है आपको उसका 5% या 10% एक्स्ट्रा आपको मिल जाए। जो प्रॉफिट आपको हुआ है तो हुआ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन स्कीम है, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम, और दूसरा है SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। दोनों सेम है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कीम है, लेकिन क्या बोला गया है, यहाँ पहले वाले में मर्चेंडाइज हो रहा है, मतलब वस्तु, गुड्स, गुड्स इम्पोर्ट इम्पोर्ट कह रहा हूँ, गुड्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और दूसरे वाले में सर्विसेज एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, बस यही अंतर। दूसरा है इम्पोर्ट कंट्रोल। आप जो सामान किसी और कंट्री से इंडिया में मंगवाओगे, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। 1 मिनट जरा सर, अरे गाना गाना सर आप बजा रहे हो? ओके गाइस, ठीक है, मेरे चेयर में थोड़ा सा ग्लिच हो रहा था, खैर कोई नहीं। सो इंपोर्ट कंट्रोल, सो जो आप सामान किसी और कंट्री से मंगवाने वाले हो, आपने उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, आपने बैरियर लगा दिया, आपने कोटा लगा दिया कि इससे ज्यादा सामान हम किसी और कंट्री से इंडिया में नहीं मंगवाएंगे, समझ रहे हो? तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। मैंने कोटा लगा दिया, कोटा का आपने नाम सुना होगा, ये एक्चुअली कंट्रोल करने के लिए, अभी सर इंडिया। हाल में ही सर जैसे राइस खत्म होने वाला था, जैसे गेहूं खत्म होने वाला, तो इंडियन गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया उस पे कि ज्यादा से ज्यादा जो एक्सपोर्ट ना किया जाए, ताकि टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने। हाँ, प्राइसेस बढ़ा देना, या एक तरीके से, जो टैक्स हालांकि बढ़ा, फ्रांस गवर्नमेंट ने उस टाइम पे किया था, वो एक्सपोर्ट पे रोक लगाया था कि हम इंडिया के सामान को बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि पहले इंडियंस का तो हाँ रेट बराबर, एक्स्ट्रा बाहर भेजोगे, राइट? और हाँ यहाँ ज्यादा भेजने से महंगाई बढ़ जाएगी हाँ, अगर किसी भी चीज का जैसे। स्कार्सिटी होगा, डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, तो प्राइस तो उसकी बढ़ने ही वाली है, बढ़ती ही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे इम्पोर्ट कंट्रोल की बात की जा रही है, ठीक है? हालांकि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, डिफरेंट नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्ट कंट्रोल की बात की जा रही है। एक्सपोर्ट कंट्रोल इसका ले सकते हैं ना सर, है ना? हाँ, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल के कंट्रोल अंदर का आ आप कर जाएगा। सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन आपको बोलना है। जैसे मेजर्स अगर आपको बोलेगा कि आप किस तरीके से अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधारेंगे, ठीक है, तो आपको एक्सपोर्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको इम्पोर्ट को कंट्रोल करना। नहीं, जैसे ये हम लोग बहुत ज्यादा सामान मंगवाते हैं, याद है ना, दिवाली के टाइम पे बहुत हाँ ज्यादा चाइना लाइट्स वगैरह या खिलौना वगैरह चाइना से आता है, सो उसके चीज से आता है बराबर। उस चीज के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल लगा सकती है कि चलो ज्यादा नहीं मंगवाएंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, देखो, अगर बाहर से सामान इंडिया में नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडियन सामान को खरीदेंगे, हमारी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रांग होगी, है ना? तो इससे यस सर,
फायदा हम लोगों को है, इसीलिए इंपोर्ट को कंट्रोल किया जाता है ताकि आप खुद से सामान बनाए और बना करके जब ज्यादा बना लें तो उस चीज को फिर इंडिया के बाहर भी भेजें। सो इंपोर्ट कंट्रोल और यस एक्सपोर्ट प्रमोशन आवर एक मिल 22 वर्षा है, चलते ही रहता है। ठीक है, तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको बड़ा करना। अब उसको बड़ा करने के लिए आपको सही सीधी सी बात है कि आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन रिजर्व जो होता है एक्सचेंज रिजर्व, जैसे डॉलर, अभी के टाइम पे जो पूरी इकोनॉमी है किसी भी कंट्री की, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी वो डॉलर पे चल रही है, डॉलर गोल्ड पे चल रहा है, और पूरी सारी कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में वो सारी की सारी डॉलर पे चल रही है। कोई भी बिजनेस होता है तो डॉलर में होता है, किसी और करेंसी में नहीं होता है। सो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है मतलब डॉलर, इसको बढ़ाना, इसको एक्यूमुलेट करना, जमा करना। अब ये आप कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है कि आप जो खर्च है डॉलर का उसको आप कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक बिल्कुल है, इंपोर्ट आपने रिड्यूस कर दिया, वहां से बच गया आपका, है ना, उस तरह से चीजें यहाँ पे हैं। सो एक्यूमुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हेल्प स्टेबलाइज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है ना, अगर आप जमा करते रहेंगे तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो स्टेबलाइज रहेगा बाई इंश्योरिंग अ सफिशियंट बफर बाय इंश्योरिंग अ सफिशियंट बफर अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टॉक एंड स्पेकुलेटिव अटैक्स ऑन द करेंसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। 1 मिनट जरा, 1 मिनट। यस रहेगी तो लाइक रात से वेरी उठी जगह से मैं उड़ूंगा आसमान में। गुड वेरी गुड। हेलो, सनी इज स्पीकिंग सर। ओके गाइस, सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, तो इसको एक्यूमुलेट करते रहना है ताकि आपका जो है स्टेबलाइजेशन बना रहे। जब फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कि इंडिया में आपने सुना होगा 1991 में गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था एलपीजी करने का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना, तो वो इसीलिए लिया गया था क्योंकि हम लोग के पास रिजर्व ज्यादा बचा नहीं था। हमको अगर किसी कंट्री से पैसा मंगाना तो आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, और वो डॉलर हम लोग के पास था नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को बड़ा कर दिया। तो जब खोल दिया ना, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, तो बाकी एफडीआई का पैसा इंडिया में आया, एफडीआई का पैसा इंडिया में आया, पैसा वगैरह जमा होना स्टार्ट हुआ, और फिर जाकर के हम लोग का ट्रेड बहुत स्ट्रांग हुआ, और आज हमारे इंडिया की इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 में है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अगर आपको अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक रखना है तो आपको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी एक्यूमुलेट करना होगा, जमा करना होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, सॉरी चौथा पॉइंट है एफडीआई एंड एफपीआई। ये मैंने ऑलरेडी बताया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर इस तरीके से पैसे बाहर से इंडिया में आएंगे तो ये भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छा करेगा। पांचवा पॉइंट है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। अब ये थोड़ा है, ये भी आपको पता है, ऐसा नहीं कि कुछ यूनिक है। आपको पता है कि 1 डॉलर में तकरीबन 84 रुपए होते हैं, 83 रुपए कुछ पैसे के आसपास अभी घूम रहा है रेट, ठीक है ना। सो एक्सचेंज रेट इज लाइक आपको अगर 1 डॉलर के बदले कितने रुपए आपको मिलेंगे, उसको आपको मैनेज करना है। कई बार बहुत सारी कंट्रीज ना फ्लैट रेट का इस्तेमाल करती है, और कई बार हम लोग इसमें डायनामिक रेट का इस्तेमाल करते हैं, तो जो जिस कंट्री को सही लगता है वो उसके अकॉर्डिंग चलती है, तो इसको भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो मैनेजिंग द एक्सचेंज रेट बिटवीन रेट टू प्रिवेंट एक्सेसिव डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन मतलब आपके रुपए की प्राइसेस घटना, रुपए का वैल्यू घट जी जाना। ठीक है, सो एक्सेसिव डिप्रिसिएशन को बचाना, और एप्रिसिएशन कैन हेल्प मेंटेन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव। और एप्रिसिएशन करना, अब वो आप ऑटोमेटिक नहीं कर सकते, अभी तो हर चीज डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हो रहा है, तो मैनेज करना, अगर घट रहा है तो कुछ ऐसी चीजें करना जिसके जरिए आप अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज कर सकें। जैसे हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई करती है ना महंगाई को मैनेज करने के लिए, उसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने के लिए भी एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट किया जाता है। पॉइंट हो गया। पॉइंट है लिबरलाइजेशन, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, लिबरलाइजेशन अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। लिबरलाइजेशन का मतलब ही है कि आप अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा लिबरलाइज कर दें। जैसे हम लोग पहले बाहर मतलब से थोड़ा इन्वेस्ट करते थे, जैसे आसान एफडी। आसान लचीला टाइप का, जी किशन, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, ताकि लोग आसान हो जाए डॉक्यूमेंटेशन, और ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, इवन बिल्कुल बिल्कुल, फॉरेन इन्वेस्टर टू। इंडिया में आ सके। पहले तो हम लोग लेते ही नहीं थे। देखो, बाहर से पैसा इंडिया में आने का मतलब है
कि अपना स्टेक्स बेचना। अब वो जो इन्वेस्ट कर रहा है, मेरे मेरी कंपनी अगर 1 लाख की है और वो बंदा अगर मुझे 10,000 रुपए दे रहा है, इसका मतलब मैं अपनी कंपनी का 10,000 रुपए का हिस्सा मैं उसको दे रहा हूँ। मतलब वो 10,000 का हिस्सा अगर बाद में मेरी कंपनी अगर 1 लाख से 10 लाख की हो गई, तो उसका 10,000 कितने का बन गया? 1 लाख बन गया। तो वो 1 लाख पैसे आपको रुपया उसको वापस देने भी पड़ेंगे ना। तो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट पहले जो है इस चीज को लेकर के उतना पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन 1991 में एलपीजी होता है और लिबरलाइज कर दिया जाता है। हम लोग अभी बहुत ही अच्छे टाइम में हैं, तो बी ऑनेस्ट अगर बोला जाए कि अभी लिबरलाइजेशन बहुत यस अच्छी। ऑफ कोर्स सर, वी आर ऑन राइट ट्रैक। लेकिन जी किशन, मैं बोल रहा हूँ सही टाइम पे हम लोग हैं, हाँ अच्छा है, लेकिन कंपनी इसके लिए अच्छा है, सिचुएशन लेकिन अच्छा जो होता बाहर जा रहा है। लोग हैं इंडिया के, थोड़ा सा उनको सफर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यस ऑफ कोर्स लिबरलाइजेशन हर जगह अच्छा नहीं होता। देखो बाहर की कंपनीज जब इंडिया में आ रही हैं तो वो एक्वायर कर, यहाँ की कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, जब उनका मोनोपोली हो जाएगा मार्केट में धीरे धीरे, जब उनका मार्केट बड़ा हो जाएगा, तो वो मनचाहे प्राइसेस आपसे वसूलेंगी। तो चलो हम हाँ लोग सर, हाँ सर, जो हायर क्लासेस के हैं वो तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी। तो हर चीज का फायदा भी है और नुकसान भी है, इसलिए थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे चीजों को करना चाहिए। बट अभी के टाइम में सही है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा तेजी से कर रही है, लेकिन अभी की जो सरकार है थोड़ा सा इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। देखना हर एक चीज को सेल किया जा रहा है, क्योंकि वहां से एफडीआई आता है, आपको रॉयल्टी वगैरह भी मिलता है, बहुत तरह की चीजें हैं। तो वो है, लिबरलाइजेशन का मतलब वही हो गया सिंपल, कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हो कि बाहर से भी कोई आदमी चाहे तो इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज कर देगा। सेवेंथ पॉइंट है करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजमेंट। करंट अकाउंट का जो आपका डेफिसिट है उसको मैनेज करना। करंट अकाउंट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि करंट अकाउंट का मतलब हो गया कि 1 साल के भीतर जितने भी पैसे आपके ट्रांसफर हुए हैं बिजनेस से, सर्विसेज से, वो सारे के सारे करंट अकाउंट में आएंगे। अब उसको मैनेज करना, अगर आपका इम्पोर्ट ज्यादा हो गया है तो आप उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो, समझ रहे हो? तो उस तरीके से मैनेज करना। सो मेंटेनिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, देखो बोला गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट कंट्रोल मेजर्स इज क्रूशियल, ठीक है। सो करंट अकाउंट का डेफिसिट मैनेजमेंट इसी तरीके से हो सकता है कि आप अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करें और आपकी इम्पोर्ट को आप कंट्रोल करें। कंट्रोल आठवां है कैपिटल कंट्रोल। सो कैपिटल कंट्रोल भी आपका जो शॉर्ट टर्म इनफ्लो है आउटफ्लो है उसको एक तरीके से मैनेज करना, मतलब आपके कैपिटल में शॉर्ट टर्म, कैपिटल अकाउंट में शॉर्ट टर्म भी बहुत सारी चीजें आएंगी। एफडीआई जो आएगा, एफपीआई आएगा, वो शॉर्ट टर्म में होता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म में ही होता है, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नहीं होता है। सो उसको मैनेज करना, ठीक है। सो रेगुलेटिंग कैपिटल फ्लोज टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्पेकुलेटिव और शॉर्ट टर्म इनफ्लो एंड आउटफ्लोज कैन हेल्प स्टेबलाइज द कैपिटल अकाउंट। सो वो हो गया। नौवा है इंटरनेशनल बोरोइंग, बाहर से बहुत ज्यादा पैसे बोरो नहीं करना। अगर आप बोरो करेंगे तो वो पैसे आपको देने भी पड़ेंगे, वो आपके लायबिलिटी साइड में जाएगा। हालांकि कैपिटल अकाउंट में वो आपको दिखेगा कि आपके पास पैसे आए हैं, लेकिन जो पैसे आपके पास आए हैं वो आपको देना भी है, ठीक है ना। सो विथ ऐसे से इंटरेस्ट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट फॉर बोरोइंग्स कैन प्रोवाइड अ टेम्पर प्लेस टू बैलेंस ऑफ बैलेंस एक्सटर्नल पेमेंट्स। अब यहाँ पे सपोज आपको पैसे लेने की आवश्यकता है तो आपको आईएमएफ से लेना ही पड़ेगा, तो वहां से पैसे लेकर के आप अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो सिचुएशन है आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल बोरोइंग में ये आ जाएगा। दसवां है बायलैटरल एंड रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये तो हर एक नाफ्टा हमारे इंडिया में भी आपको शार्क को बैन करके, बैन नहीं, इंडिया उससे आउट हो गया है, शार्क हटा करके स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। ट्रेड एग्रीमेंट होता है जो आपके रीजन में, जो आपके सेम रीजन में है उसके साथ आप एग्रीमेंट कर लेते हो कि हम आपस में ट्रेड करेंगे, ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, हम अपने बिन ट्रेड करेंगे सर वॉइस नहीं आ रहा था। नौकरी नहीं करेंगे, है ना। ये है को देखने को मिलता है। तो एंगेजिंग इन ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज एंड रीजंस कैन एनहांस मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, गाना किसका बज रहा है सर आपके इधर ही बहुत बज रहा है, म्यूजिक या क्या? आप तो सुन दो, आपके इधर ही बज रहा है सर, हमारे इधर नहीं। सर मेरे इधर तो नहीं बज रहा, आकांक्षा की तरफ बज रहा होगा तो मुझे लग रहा है।
बताओ। हेलो, नो सर, मेरे साइड नहीं ओके बज देन, पता नहीं फिर, एक साउंड तो आ रहा था, खैर कोई नहीं। आखिर हेलो, है, इसलिए आवाज नहीं आ रही। कंक्लूड करते हैं इसको। इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इंप्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये नोट हम लोग को करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, आपको मेंशन करना होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई ऐसा चीज नहीं है कि तुरंत ठीक हो गया, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। अगर इस महीने ठीक है तो अगले महीने खराब हो जाएगा, इस साल ठीक है तो अगले साल खराब हो जाएगा, ऐसा होते रहता है। ठीक है, सो इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस दैट रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज एम्ड एट बूस्टिंग एक्सपोर्ट, जहां पे आपको कुछ पॉलिसीज में बदलाव लाने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला बदलाव या सबसे पहला पॉजिटिव चीज आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करना पड़ेगा, किसी तरीके से आपको अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। ठीक है, मैनेजिंग इम्पोर्ट, आपको अपने इम्पोर्ट्स को, जो पैसे जो इम्पोर्ट आप बाहर से कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना होगा, उसको मैनेज करना होगा। एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे मोदी जी इतनी सारी कंट्रीज घूमे हैं तो उसका असर, पॉजिटिव असर तो पड़ा है, बहुत सारी कंट्रीज ने हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है। और कहा जाता है कि 2000, मतलब ये जो सेंचुरी है पूरा, है ना, ये पूरा का पूरा सेंचुरी या एक दो डेकेड हमारा है, 2050 तक हम लोग दुनिया की वर्ल्ड टॉप 3 में इकोनॉमी में होंगे। वो तभी पॉसिबल है जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, और होपफुली ये होगा, क्योंकि यस चाइना को होते हुए हम लोगों ने देखा है, चाइना जिस तरीके से चाइना ग्रो। सर, दो हाँ किशन हजार कहिए। दस से जो ग्रो किया है ना सर, चाइना जो है ना 2008 और 10 से जो ग्रो किया है ना, बहुत फास्ट ग्रो किया है। राइट, जैसे चाइना ग्रो किया है वैसे हमारे पास भी पोटेंशियल है ग्रो करने का। हमारे हाँ, पास उस सबसे बड़ा समय प्रॉब्लम, उनके पास यूथ ज्यादा था सर, अभी हमारे पास ज्यादा यूथ है ना सर। हाँ यूथ ज्यादा है, हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यूथ में ना, कि स्किल्ड लेबर नहीं है, काम सबको नहीं आता है, अच्छा काम नहीं बिल्कुल आता। बिल्कुल ठीक है, सो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है, स्किल इंडिया का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारा हाँ हाँ चलाया हाँ बिल्कुल जाता है, लेकिन लोगों को अगर फायदा होगा, लोग अगर सीखेंगे तो उसका फायदा होगा ही डेफिनेटली। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखोगे तो जो टीचर चेक करेगा उसको भी सही लगेगा कि उसको आसपास का नॉलेज भी है। सो यस यस सर, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ वही समझेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होने यस वाला है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है सारा चीज, उसको भी देखना होगा। ठीक है, सो आप हाँ मिला बिल्कुल जुला करके लिख सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं। सर। और इसका पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, पीडीएफ इसका और मॉर्निंग वाले क्लास का। यस यस यस, मैं MCO 1 अभी शेयर करने वाला हूँ, MCO 4 में थोड़ा सा उसमें काम बाकी है, कुछ एडिशंस करने हैं मुझे, ये MCO 4 का ही है, इसको मैं कुछ टाइम बाद सेंड करूंगा। ठीक है, MCO हाँ हाँ सर, चलेगा चलेगा। 1 शेयर कर दे रहा हूँ अभी। हालांकि ये टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, काफी आसान है और काफी कॉमन है, ये तो मैं बोलूंगा कि VVI में है, सो आप इसको नोट डाउन करके यस रखिए। अच्छा है सर, अच्छा है, हाँ, मस्त क्वेश्चन है। और ये मैं नवंबर के महीने में मैं एक लिस्ट वापस से कंसाइज कर दूंगा एक, कि कौन कौन सा क्वेश्चन एकदम करके ही जाना है। ठीक है, उसको तो यस सर, पता बीपी लगेगा। है। हाँ, और फिलहाल जो ओके मैं भेज रहा हूँ ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैं भेज रहा हूँ ये सारा ही कीजिएगा, इस पे अभी रोक नहीं लगाइएगा कि नवंबर में भेजेंगे तो करेंगे, अभी से स्टार्ट कर दीजिए और सारा नहीं कीजिए। नहीं वी विल स्टार्ट आवर स्टडी सर। हाँ, नवंबर में सर मैं तो मतलब प्लीज सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। ठीक है।